अनुज के इस कड़े फैसले के बाद आध्या ना घर की रहेगी ना घाट की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आध्या के सर पे श्रू का भूत सवार है। श्रू 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 करते वो थकती नहीं है। अब भी जब उसकी इतनी बड़ी असलियत सामने आ गई है, उसकी नजरों में श्रू कल्प्रिट नहीं है, श्रू आज भी उसकी माँ है। तो ये आध्या के सर पे चढ़ा हुआ है, मगर अब अनुज ने एक कड़ा फैसला लिया है जो आध्या के हक में तो बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज और अनुपमा एक काम में बहुत एक्सपर्ट है और वो है दर्द सहने का। दर्द सहने में दोनों एक नंबर है और आज अनुज ने अपनी बात कह दी, अनुपमा ने अपनी बात कह दी, मगर इसमें अनुज की जो बात थी उसमें आध्या कहां थी? बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये लगने लगा है कि आध्या को अब अनुज इग्नोर ही कर रहा है, सिर्फ उसकी केयर कर रहा है, मगर उसकी बातों को एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, करना वही है जो उसको करना है। तो आज जब अनुज ये बात कहता है कि मैं इंतजार करने में एक्सपर्ट हूं, पहले भी अनुज ने 26 साल अनुपमा का इंतजार किया था, अब भी कर लेगा, इसका मतलब साफ है कि श्रू की अब अनुज की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और इसका यह भी मतलब साफ है कि अब आध्या जितना भी श्रू श्रू कहे कि मुझे श्रू चाहिए, अनुज श्रू को उसकी जिंदगी में लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने आप से कमिटमेंट की है कि मैं आदत से मजबूर हूं और मैं अनु का इंतजार करूंगा। अब बात यह है दोस्तों कि आध्या का जो बैक काउंटिंग है अब शुरू होगा, क्योंकि जो इस तरह से अपनी माँ का जो है तिरस्कार करता है, अब उसके पास एक भी माँ नहीं होगी, ना श्रू माँ ना ही अनुपमा। तो ये आध्या जो अनाथ आश्रम में थी, जिसको माँ बाप चाहिए थे, जिसके लिए वो कान्हा ब्रो से प्रेयर्स कर रही थी, आज वो पहले अपनी माँ को खोएगी, फिर वो अपने पिता को खोएगी, क्योंकि इसके बाद अनुज का ट्रैक भी वैसे ही जाने वाला है, क्योंकि वो सुध-बुध खो देगा तो आध्या फिर से एक अनाथ की तरह फील करेगी दोस्तों। और यही आध्या की सबसे बड़ी सजा होगी कि उसको इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले, मगर आध्या ने उनकी कदर नहीं की। पहले उसने अनुपमा के साथ ऐसा किया, फिर उसने साथ साथ अनुज के साथ भी ऐसा किया कि जैसे उसके पॉप उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो खुद आध्या, और आध्या की जो चाह है अगर उसको नहीं मिलती है तो पॉप का और माँ का जीना हराम वो करके रहेगी, और उसने कर दिया। और ये सबसे बड़ी सजा आध्या के लिए ही है, क्योंकि अनुज अनुपमा अपनी अपनी जगह पे दर्द सह लेंगे, मगर क्या करेगी आध्या? उसके लिए तो फिर से अनाथ होना बड़ा शौक वाला काम होगा, क्योंकि अनुपमा गई, श्रू गई और अब पॉप भी चले जाएंगे। तो आध्या के लिए वही है दोस्तों, ना घर की ना घाट की। तो मेरे हिसाब से आध्या को यह सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, मगर यह सजा अनुज अनुपमा के लिए भी है। उन्होंने आध्या को एडॉप्ट किया, उसको इतना सर पे चढ़ाया कि आज आध्या खुद अपने लिए कसूरवार बन गई। तो ये जो है फैमिली का जो दिख रहा है आगे का भविष्य, वो यही है कि अब अनुज इंतजार करेगा अपनी अनु का, जिसमें श्रू की कोई जगह नहीं होगी, और आध्या श्रू श्रू करती रहेगी, और इसके बीच में जो भी बवाल होगा उसमें अनुज को भी आध्या खो देगी। तो वही हुआ, ना घर की रही ना घाट की। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.